हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है वरुण दीक्षित। मैं नोएडा में रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूं। मैं लोगों की हेल्प करता हूं उनको उनके प्रेफरेंसेस एंड मार्केट इनसाइट्स के अकॉर्डिंग सही प्रोजेक्ट एंड आइडियल इन्वेंटरी सिलेक्ट करने में, देन फाइनली राइट प्रॉपर्टी एट द राइट प्राइस परचेज करने में। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू आवर न्यू प्रोजेक्ट। इट इज एल्डिको लिव बाय द ग्रीन्स। इट लाइज इन सेक्टर 150 नोएडा। इट हैज 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी इट्स सैंपल फ्लैट फर्स्ट एंड देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड। Friends, this is lift lobby. Per floor there will be 4 flats and 2 lifts. Due to full height stonework, it is looking very polished and beautiful. Now friends, this is 3 BHK flat with 1404 square foot area. Now this is the entrance of the flat with foyer. Foyer maintains the privacy of the house, so it is good to have it. Now this is the awesome view while entering. This is your living cum dining room. इंटीरियर डिजाइन आई मस्ट से इज वेरी एलिगेंट, क्लास एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ये सेम इंटीरियर आप काफी रीजनेबल प्राइस में करवा सकते हैं। दिस इज अटैच्ड बालकनी विद लिविंग रूम। फर्नीचर इज वेल प्लेस्ड इन द गिवन स्पेस एज वेल। यहाँ पे फर्नीचर प्लेसमेंट एंड उसके साइज का काफी ध्यान रखा गया है फॉर बेटर स्पेस यूटिलाइजेशन। नाउ दिस इज योर किचन एंड दिस इज अ यू शेप्ड किचन विच इज बेस्ट फॉर कंफर्टेबल वर्किंग। Pure white color in wooden work is looking elegant and giving a feeling of larger kitchen. This kitchen is a part of standard offering of this flat. It has a utility balcony where you can put a washing machine and you can have an outside view as well. Now we will move further in our sample flat tour and see what is next. This is common washroom with hanging toilet seat and wash basin, which makes floor cleaning very easy. Beige color tiles are giving a glossy look. This washroom will be given to you as it is. Now let us see the first bedroom of the house, which is right opposite to the common washroom. इसमें आपको एक वार्डरोब स्पेस भी मिलता है विच इज अपार्ट फ्रॉम योर कार्पेट एरिया विच गिव्स यू इवन मोर वॉकिंग स्पेस। इस बेडरूम में आप बेड के साथ एक साइड टेबल भी लगा सकते हैं। बेड के ठीक सामने टीवी पैनल आ जाता है जहां पर आप टीवी के साथ साथ डेकोरेशन का सामान भी रख सकते हैं, जिससे बेडरूम की ब्यूटी और एनहेंस हो जाती है। दिस बेडरूम इज वेल सूटेड फॉर चिल्ड्रन। इस बेडरूम के साथ एक अटैच बालकनी है जो रनिंग बालकनी है और सेकेंड बेडरूम के साथ कनेक्ट होती है। आप इमेजिन कर सकते हैं इस बालकनी के ठीक सामने एक पूरा का पूरा क्रिकेट ग्राउंड है और आप लाइव क्रिकेट मैच देख रहे हैं, वो भी अपनी बालकनी से। आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, दिस इज गोइंग टू बी द अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू। नाउ लुक एट द सेकेंड बेडरूम ऑफ द हाउस which is just adjacent to this one. This room is almost identical to the previous one. इसमें भी एक wardrobe space है, running balcony है, bed के साथ एक side table placed है. Air condition की placement काफ़ी अच्छी है to protect the loss of cooling. सामने TV panel है with bookshelf. Now move on to your master bedroom. This is going to be the best place of this house. This is a big room. Bed लगाने के बाद भी काफ़ी space बच जाता है सामने। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि वार्डरोब बिल्कुल सेपरेट है, बेड के सामने नहीं है। आप बहुत आराम से यूज कर पाएंगे इसे। प्लेन वॉल मिलती है आपको पिक्चर्स या फोटोज लगाने के लिए। और ये आपका मास्टर वॉशरूम है। इसमें ग्रेनाइट काउंटर मिलेगा आपको, उसके नीचे आप वैनिटी बनवा सकते हैं। ये शावर एरिया बिल्कुल सेपरेट हो गया आपका। इस वॉशरूम का स्पेस मैनेजमेंट काफी अच्छा किया हुआ है। मास्टर बेडरूम के साथ ये एक अटैच पर्सनल बालकनी है। स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत ही ऑप्टिमम है इस फ्लैट का। लुक एंड फील काफ़ी अच्छी है अकॉर्डिंग टू स्पेस। आइए अब एग्जिट करते हैं इस फ्लैट से और एग्जिट करते हुए क्या लुक आता है ये देखते हैं। सनलाइट और वेंटिलेशन काफ़ी बढ़िया है इस फ्लैट का। कई जगह तो कोई लाइट नहीं है फिर भी इतनी रोशनी है। फाइनली वी आर एग्जिटिंग द फ्लैट।
प्लीज लेट मी नो हाउ डू यू लाइक दिस फ्लैट इन द कॉमेंट बॉक्स। और फ्रेंड्स, ये है इस प्रोजेक्ट की मेन यूएसपी, जो है एक फुल साइज क्रिकेट ग्राउंड जिसमें रोहित शर्मा की क्रिकेट एकेडमी रन होती है। जितने भी इनसाइड फेसिंग फ्लैट्स होंगे इस प्रोजेक्ट में, वो सारे क्रिकेट ग्राउंड फेसिंग ही होंगे। सो अगर आप इस प्रोजेक्ट में फ्लैट लेते हैं तो आप अपनी बालकनी से क्रिकेट मैचेस एंजॉय भी कर पाएंगे और यहाँ क्रिकेट खेल भी पाएंगे। फ्रेंड्स, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले उसके डेवलपर का बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी होता है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ एल्डिको डेवलपर्स। एल्डिको का 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन रियल एस्टेट। एल्डिको इज प्रेजेंट इन 15 सिटीज इन इंडिया, लाइक नोएडा, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, पानीपत, सोनीपत एक्सेट्रा। एल्डिको हैज डिलीवर्ड मोर देन 175 प्रोजेक्ट्स टिल येट। सो ओवरऑल इट्स अ गुड डेवलपर टू गो विद। फ्रेंड्स, पूरी दुनिया के रियल एस्टेट किंग है डोनाल्ड ट्रंप, और एक बार एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि प्रॉपर्टी में तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, तो उन्होंने आंसर दिया लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। सो उनके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोकेशन होती है। तो फ्रेंड्स, किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसकी लोकेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना बहुत जरूरी होता है। सो इस प्रोजेक्ट की लोकेशन भी हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट की लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सेक्टर 150 नोएडा में लाई करता है, जो आज की डेट में पूरे नोएडा का सबसे प्रॉमिसिंग सेक्टर है। ये ग्रीनेस्ट सेक्टर ऑफ नोएडा है, ये लीस्ट डेंस सेक्टर ऑफ नोएडा है, ये बिगेस्ट सेक्टर ऑफ नोएडा है, और ये दिल्ली एनसीआर का पहला ऐसा सेक्टर है जिसमें कोई भी ओवरहेड वायर्स नहीं होंगी। और इसमें पूरे नोएडा का सबसे बड़ा पार्क बना हुआ है, शहीद भगत सिंह पार्क, 42 एकर्स का। और इस सेक्टर के ठीक सामने 148 मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। और अभी एक रिसेंट न्यूज़ आई थी कि बुलेट ट्रेन जो दिल्ली से वाराणसी जाएगी, उसकी जो प्लानिंग हो रही है उसका रूट फाइनलाइज हो चुका है। तो उसमें ये आया है कि पहला स्टेप तो निज़ामुद्दीन पर बनेगा और दूसरा स्टॉपेज बनेगा आपका 148 मेट्रो स्टेशन के बाहर, और तीसरा स्टेप बनेगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर। दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर इन रियल एस्टेट इन नोएडा। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलरेडी प्लान्ड है, बन रहा है, सितंबर 2024 में उसका पोजेशन स्टार्ट। सो ओवरऑल आज की डेट में इस सेक्टर से ज्यादा प्रॉमिसिंग सेक्टर कोई भी पूरे नोएडा में नहीं है, और ये बात टेस्ट हो चुकी है पिछले एक साल में। जो लोग पिछले 6 महीने या एक साल से प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं और वो सेक्टर 150 को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे कि उन्होंने पिछले एक साल में अगर प्रॉपर्टी नहीं ली है तो कितना बड़ा अपना नुकसान ऑलरेडी कर लिया है, क्योंकि प्राइस पिछले एक साल में काफ़ी एग्रेसिवली बढ़ा है इस सेक्टर में और आगे भी बढ़ेगा। आई बिलीव जब तक कि एयरपोर्ट ऑपरेशनल नहीं हो जाएगा जब तक प्राइस इसका बढ़ेगा, और अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन टिल द टाइम ऑफ पोजेशन मिलेगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स टेक अ क्विक ओवरव्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ये टोटल प्रोजेक्ट 20 एकड़ लैंड पर बन रहा है, इसमें 17 टावर्स बन रही हैं एंड 1500 यूनिट्स टोटल इसमें बन रही हैं। 2-3 BHK अपार्टमेंट्स के ऑप्शंस इसमें बन रहे हैं। ये प्रोजेक्ट 4 साइड ओपन है, चारों तरफ रोड है इसके, एंड 3 एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट इसमें बने हुए हैं, और एक स्पेशल एंट्री क्रिकेट ग्राउंड के लिए बन रही है, जो रोहित शर्मा की अकेडमी, हमने पहले बात की थी इसके बारे में। और ये टोटल प्रोजेक्ट MY1 शटरिंग के ऊपर बना हुआ है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसमें साइजेस एंड बेसिक प्राइजेस की। इसमें दो कॉन्फिग्रेशन मिलेंगी आपको, 2 BHK एंड 3 BHK। 2 BHK इसका 1137 स्क्वायर फीट का है, जो आपको 90.50 लाख कॉस्ट करेगा। 3 BHK इसका 1404 स्क्वायर फीट का है, जो आपको 1.11 CR कॉस्ट करेगा। ये प्रोजेक्ट 3 फेजेस में बन रहा है। पहले फेज का पोजेशन इसका दिसंबर 2023 में होने वाला है, एंड सेकेंड एंड थर्ड फेज का पोजेशन इसका दिसंबर 2025 में होने वाला है।